बताने कि बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक के एस त्रिवेदी आज ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे का जन्म बक्सर जिले के छोटे से गांव गेर में हुआ था। पांडे बिहार में विशेष और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए गुप्तेश्वर पांडे को जाना जाता रहा है, तो अब अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। गुप्तेश्वर पांडे को बिहार का डीजीपी बना दिया गया है। नई जिम्मेवारी मिल गई है सर गुप्तेश्वर पांडे जी को, और किस तरह से सर देखते हैं? सर हम देखते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी है गुप्तेश्वर पांडे जी, जो काम हुए हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे और बिहार पुलिस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। मेरी शुभकामना है इनके प्रति। सर सबसे पहले तो बधाई हो, आपको नई जिम्मेवारी मिली है, किस तरह से देखते हैं? ये सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये अकेले मेरे बूते की चीज नहीं है, पूरा पुलिस महकमा है, ऐसे बड़े पदाधिकारियों का आशीर्वाद है। हम सब मिल करके पूरी टीम बना करके काम करेंगे और सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सर एक पुलिस पदाधिकारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद को सोशल बनाना, जो सोशल एक्टिविटीज में आप हाल के दिनों में लगे रहे थे, आपको लगता है कि उसका भी फायदा मिलता है लोगों से जुड़ने का? हम सभी पदाधिकारियों को बोलते हैं, थाना से लेकर एसपी तक के पदाधिकारियों को, कि जनता के साथ मिलिए, जब तक मिलिएगा नहीं उनको सुनिएगा नहीं, आपको जमीनी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। अपने को सहजता से उपलब्ध कराइए, लोगों के दुख दुख दर्द को सुनिए, आधा शिकायतें इसी से दूर हो जाती है। बड़ी समस्या रही है कि जनता के मीटिंग टाइम में भी अफसर फाइलें निपटाते रहते हैं। देखिए फाइल काम का दबाव, परंपरा बदलेगी? देखिए परंपरा की बात नहीं है, अधिकारियों पर काम का दबाव होता है, फाइल काम करना भी जरूरी है, लेकिन उसी में जनता से मिलने के लिए समय भी निकाला जाना चाहिए। आपकी प्राथमिकता क्या होगी सर? प्रायोरिटी अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था संधारण ही किसी भी पुलिस पदाधिकारी की प्राथमिकता होती है, वही मेरी भी होगी। तो आपको बता दें अहम जिम्मेदारी दी गई है गुप्तेश्वर पांडे को, और अब उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी गई है, उन्होंने इस जिम्मेदारी को ले लिया है, और अब आज से उन्होंने कहा है कि